गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर ज्योग्राफी बुक लेसन 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जब पेड़ पौधे बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो कर जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। जैसी जैसी नेचुरल वेजिटेशन होगी वैसा वैसा वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर घने जंगल हैं तो वहाँ पर जैसे बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो होंगे, और अगर हम डेजर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है? ग्रासेस होती हैं, इस वजह से वहाँ पर क्रॉल करने वाले एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाएंगे। अब हम अपना चैप्टर जो है एक स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सलीमा जो है वो एक समर कैंप पे गई है, और वो कहाँ गई है? हिमाचल प्रदेश के मनाली में गई है। जब वो वहाँ पर जा रही थी तो उसने देखा कि जब अभी वो प्लेन एरिया पर थी और उन्होंने माउंटेन्स पे चढ़ना शुरू करना था, उस समय उसने देखा कि वहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए वैसे वैसे क्या हो गया, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए, और उसके बदले क्या हो गए, थिन पॉइंटेड लीव्स जो थे या फिर कोन शेड कनोपीज वाली जो माउंटेन्स थी वैसे वैसे पेड़ जो हैं वो शुरू हो गए। और उसके बाद अगर वो जब रोहतांग पास की ओर गए वहाँ पर क्या हो गया कि बिल्कुल जैसे मॉसेस लिचन्स या फिर बिल्कुल छोटी छोटी श्रब्स जो थी वो उस तरह की वेजिटेशन होगी, और कहीं कहीं पे उनको बिल्कुल आइस जो है वो नजर आई। इस जो ये हमने इसकी स्टोरी पढ़ी इससे हमें पता चला कि हाइट जो है जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा। इसके मतलब कि क्लाइमेट के चेंज होने से वेजिटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। इसका क्या मतलब, सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि जो हाइट होती है, हाइट लैंड की जितनी भी हाइट है उसके ऊपर हमारी वेजिटेशन का करेक्टर जो है कि वेजिटेशन कैसी होगी ये डिपेंड करता है। विद अ चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है क्लाइमेट जो है वो चेंज होता चला जाता है और वेजिटेशन जो है वो चेंज होती जाती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। और एक और क्या है कि वो स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर जो बहुत तीखी स्लोप्स अगर होंगी, अगर वहाँ पर सॉइल की थिकनेस ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जब ऊपर से पानी जो है वो तेजी से बहकर नीचे की ओर आएगा तो वो क्या ले जाएगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे और जो सॉइल की जो टॉप लेयर होगी उसको बहाकर नीचे ले जाएगा। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी है, फॉरेस्ट है, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटी फुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो जंगल कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होगा और रेनफॉल जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिससे क्या है कि ट्री कवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं तो उसके हिसाब से 2 तरह के जंगल जो हैं वो हो सकते हैं। एक तो है डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट क्या है कि बहुत घने जंगल हैं, जहाँ पर क्या होगा कि क्लाइमेट, जहाँ पर आपके लिए सनरेज बहुत ज़्यादा होंगी, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट होंगे। जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो हमारे डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं, और जो हमारे ओपन फॉरेस्ट हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादा घने नहीं होते क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पर ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। श्रब्स, थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स। जो कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वो कहाँ पर ग्रो करती हैं, जहाँ पर कि ड्राई रीजन होता है, जैसे कि हमारे रेगिस्तान होते हैं जहाँ पर कि बारिश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर क्या है
थिक स्टेम वाले और थॉनी जो श्रब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर पानी जो होता है वो उसको स्टोर कर लेते हैं, जिस वजह से उस तरह के पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि देखो रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन में एक रिलेशन बन जाता है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं वो ज़्यादा हरे भरे होंगे, इसीलिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये फॉरेस्ट जो होते हैं ज़्यादातर इक्वेटर के आसपास होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से क्या है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है। नियर अबाउट कहें तो रोज़ पूरे दिन में एक आधी बार बारिश जो है वो ज़रूर हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। क्योंकि सारा साल यहाँ पर बारिश होती रहती है, इसीलिए कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन का टाइम पीरियड नहीं आता, जिस वजह से ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये एक ही समय पर अपने पत्ते नहीं गिराते। अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, तो कोई पेड़ जो होते हैं वो किसी समय पर गिराते हैं और कोई जो पेड़ होते हैं वो किसी समय पर गिराते हैं, जिस वजह से ये हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. और क्या होता है कि ये जो पेड़ होते हैं ये इतने ज़्यादा घने होते हैं और पास पास होने की वजह से क्या हो जाता है, ये ऊपर जाकर एक अम्ब्रेला की तरह एक कनोपी बना देते हैं, और जो कनोपी बन जाती है तो उस वजह से उसमें जो सन की रेज होती हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और क्या है कि जो अंदर का पार्ट होता है इनका वो हमेशा डार्क रहता है, और उसके अलावा क्या है कि जो नीचे की ज़मीन जो होती है वो हमेशा दलदली रहती है, जिस वजह से क्योंकि वहाँ पर सन की रेज नहीं आती, इसी वजह से वहाँ की ज़मीन जो होती है हमेशा दलदली रहती है, और बहुत सारी तरह के पेड़ पौधे जो होते हैं वो वहाँ पर नीचे जो होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं। यहाँ के जो कॉमन ट्रीज हैं वो हैं रोजवुड, एबनी, महोगनी जो है यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है उनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घने हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। ट्रॉपिकल डिसीडियस जो फॉरेस्ट है इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मॉनसून का जब समय आता है, जब रेनफॉल का सीज़न आता है उस समय पे ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और जब ड्राई सीजन आता है उस समय ये अपने पत्ते जो होते हैं वो गिरा देते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये जो पेड़ होते हैं ये गर्मी जब ड्राई सीजन आ जाता है उस समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे कि पानी जो होता है वो अपने अंदर कंजर्व करके रख पाएँ, और टीक, साल और शीशम जो है यहाँ के मेन ट्रीज पाए जाते हैं, और जिनकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर और ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसको उसके लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ की अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज़ वगैरह जो होते हैं इस तरह के जानवर जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स, दे आर कॉमनली फाउंड इन अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। यहाँ के जो टेम्परेट एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या है ओक, पाइन जो पेड़ होते हैं उस तरह के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स दीज आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एटसेट्रा। यहाँ के जो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स की और हाइट पे जाते हैं,
लैटिट्यूड्स का मतलब है जब हम जैसे इक्वेटर से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड की ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोल्स की ओर जाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर ये ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, इस तरह के जानवर जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत सारी बर्ड्स की वैरायटीज जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। मेडिटेरियन वेजिटेशन, इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज एंड ऑन द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हैंज द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. जो ये मेडिटेरियन एरिया है इसमें क्या है कि जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, और जो सर्दियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे खट्टे फल जो होते हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to, there isn't much wildlife here. यहाँ पर उसने कहा कि वाइल्डलाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं है। उस वाइल्डलाइफ के ज़्यादा ना होने की वजह क्या है, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस वेजिटेशन को, इस जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको रिमूव करके अपने हिसाब से वहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो भी यहाँ से रिमूव हो गई है। Coniferous forests. In the higher latitudes, 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in the abundance. अभी जो हमने सलीमा की स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड हाइट्स पर जाती चली गई, वैसे वैसे ट्रीज जो थे वो डिफ्रेंशिएट करते चले गए। जो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे जो ट्रीज वहाँ पर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, टैगा कहा जाता है। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वुड जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिस वजह से वो किसके काम आती है, पल्प बनाने के काम आती है, जो पल्प क्या है, पेपर जो इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे पैकिंग बॉक्सेज हैं, मैच बॉक्सेज हैं, वो भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऊपर जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट्स पर जाते जाएंगे उस वेजिटेशन को टैगा वेजिटेशन कहा जाता है, और टैगा का मतलब होता है प्योर अनटच्ड, जिसका मतलब है कि जिसको कोई भी नहीं छूता, जो अपने आप ग्रो करती रहती है, उसको हम टैगा वेजिटेशन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ, आर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज अकर ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये इक्वेटर से शुरू होकर जहाँ तक ट्रॉपिक्स का एरिया आता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पहले एक बीच का जो एरिया है वहाँ पर ये वाले ग्रासलैंड्स जो हैं ये पाए जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये जो वेजिटेशन है ये कहाँ ग्रो कर सकती है, जहाँ पे रेनफॉल या तो मॉडरेट होती है, मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, वहाँ से लेकर जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ तक का जो एरिया होता है उसमें ये वेजिटेशन जो है ये पाई जाती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। यहाँ की ग्रास जो है वो 3 to 4 मीटर तक की हाइट की ग्रो कर सकती है। सावना ग्रासलैंड्स जो अफ्रीका के हैं वो इसी तरह के ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो एलिफेंट्स, ज़ीब्रास, जिराफ्स, डियर्स, लेपर्ड्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ग्रासेस हियर
आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। ये कॉन्टिनेंट्स की जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, इंटीरियर पार्ट्स हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ की जो ग्रासेस हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर हैं वाइल्ड बफेलोस, बिसंस, एंटीलोप्स एट्सेट्रा। ग्रासलैंड्स जो हैं आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ईस्ट अफ्रीका में इनको सावनास कहा जाता है, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला में लानो कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना में इनको पंपास कहा जाता है, अमेरिका में प्रेरीज, अफ्रीका में वेल्ड्स, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। अब आ जाइए बुशेज पर, थॉनी बुशेज। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। थॉनी बुशेज से हमें पता चली रहा है कि कांटेदार झाड़ियाँ, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं, ड्राई एरियाज, ड्राई डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्केंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। यहाँ का वेजिटेशन कवर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, स्केयर का मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो होती है बहुत कम, ना के बराबर होती है, और गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ का वेजिटेशन कवर जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड, ओनली मॉसेज, लिचन्स आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। अब हमने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है, और नेक्स्ट हमारे जो पोलर रीजन्स आ जाते हैं वहाँ पर भी वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है। जब बहुत कम समर समय आता है, गर्मी का बहुत छोटा सा टाइम पीरियड जो आता है, उस समय ये ग्रो करती है, और इसको टुंड्रा वेजिटेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, इनकी क्या होती है, थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनकी फर जो होती है वो बहुत मोटी होती है, और स्किन भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिस वजह से ये अपने आप को जब वहाँ की बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उससे अपने आप को बचा पाते हैं। सील्ड वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हेयर। और इस चैप्टर में हमने यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, वेजिटेशन कैसी कैसी पाई जाएगी, ग्रासलैंड्स हो गए, और उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।